दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत अभिनेत्रियां देखने को मिल जाएंगी, जिन्होंने अपने दौर में बॉलीवुड की बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। लेकिन शादी के बाद इन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और अपनी शादीशुदा लाइफ में बिजी हो गई। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ऐसी बहुत सी अभिनेत्रियां मौजूद है जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलविदा तो कह दिया लेकिन आज तक शादी नहीं की। आज हम आपको कुछ ऐसी अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे जो आज 40 पार हो चुकी हैं और कुंवारी हैं। ये अभिनेत्रियां अभी तक शादी करने का नाम ही नहीं ले रही। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्यों अभी तक कुंवारी है बॉलीवुड की ये खूबसूरत अभिनेत्रियां। नंबर 5, तब्बू। दोस्तों, तब्बू 90 के दशक की मशहूर अदाकारा रह चुकी है। आज भी इनकी फिल्मों को दर्शक काफी पसंद करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म दे दे प्यार दे को दर्शकों ने काफी एंजॉय किया, जिसमें इनका शानदार अभिनय देखने को मिला। इस फिल्म में इनके अपोजिट अजय देवगन नजर आए और इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन रियल लाइफ में तब्बू एकदम अकेली रह गई। आज 40 साल की उम्र में तब्बू कुंवारी है। लेकिन हम आपको बता दें कि इनका लव अफेयर नागार्जुन के साथ खूब रहा, लेकिन नागार्जुन से धोखा मिलने के बाद इन्होंने फिर कभी किसी से प्यार नहीं किया और शादी भी नहीं की। इसी वजह से तब्बू आज तक कुंवारी है। नंबर 4, साक्षी तंवर। दोस्तों, साक्षी तंवर का टीवी इंडस्ट्री में बॉलीवुड इंडस्ट्री में दोनों में नाम है। इनको न केवल छोटे पर्दे पर बल्कि बड़े पर्दे पर खास पहचान मिल चुकी है, बल्कि आज ये बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन चुकी है। जहां एक और ये टीवी सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं, हमें खास भूमिका निभाती हुई नजर आई, दूसरी ओर इन्होंने आमिर खान की फिल्म दंगल में आमिर खान के अपोजिट रोल निभाया। लेकिन बात अगर इनके रियल लाइफ की जाए तो इनकी रियल लाइफ में इन्होंने अभी तक किसी को अपना जीवन साथी नहीं बनाया। आज ये 43 साल की उम्र में साक्षी तंवर कुंवारी है और अभी तक इनको कोई ऐसा लड़का ही नहीं मिला जिनके साथ ही पूरी जिंदगी बिताए। नंबर 3, अमीषा पटेल। कहो ना प्यार है और गदर जैसी सुपर हिट फिल्मों में काम करने वाले अमीषा पटेल को 90 के दशक की सबसे ज्यादा खूबसूरत अभिनेत्री कहा जाता है, जिनकी जोड़ी ऋतिक रोशन के साथ खूब जमी और फिल्मों में एक से बढ़कर एक बोल्ड सीन देती हुई नजर आई। लेकिन इतनी ज्यादा खूबसूरत होने के बावजूद भी अमीषा पटेल ने आज तक शादी नहीं की। 42 साल की उम्र में ये कुंवारी है। हालांकि इनका लव अफेयर विक्रम भट्ट के साथ खूब चला और खबरें ये भी आई कि ये दोनों शादी भी करेंगे, लेकिन इनका रिश्ता शादी से पहले ही टूट गया, जिसके बाद अमीषा पटेल ने फिर कभी शादी करने के बारे में नहीं सोचा। नंबर 2, नरगिस फाकरी। दोस्तों, नरगिस फाकरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे बोल्ड अभिनेत्रियों में शुमार है। इनको आप लोगों ने बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म मैं तेरा हीरो, डिशुम और हाउसफुल 3 में देखा होगा, जिसमें इनका बोल्ड अवतार देखने को मिला। लेकिन बात करें इनकी लव अफेयर की, तो इनका लव अफेयर उदय चोपड़ा के साथ खूब सुर्खियों में रहा और ये दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि दोनों का रिश्ता टूट गया और दोनों अलग हो गए। इसके बाद नरगिस किसी के साथ रिलेशनशिप में नजर नहीं आई। आज 40 की उम्र में ये कुंवारी है। नंबर 1, सुष्मिता सेन। दोस्तों, सुष्मिता सेन भले ही आज किसी भी फिल्म में नजर नहीं आती हो, लेकिन आज भी दर्शक इनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। 90 के दशक की सबसे हॉट अभिनेत्रियों में शुमार थी ये, जिनकी खूबसूरती पर लाखों लोग फिदा थे और आज भी इनके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है। लेकिन जहां एक और ये अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहती थी, तो दूसरी ओर इनके लव अफेयर भी खूब सुर्खियां बटोरते थे। लेकिन सुष्मिता सेन ने कभी किसी को अपना जीवन साथी नहीं बनाया और आज 42 की उम्र में सुष्मिता सेन कुमारी है। इनका कहना है कि इनको अभी तक ऐसा कोई जीवन साथी नहीं मिला जिनके साथ ही पूरी जिंदगी बिताए, लेकिन अगर इनको ऐसा कोई मिलता है तो ये शादी जरूर करेंगी। तो दोस्तों, इनमें से किस अभिनेत्री की शादी होते हुए आप देखना चाहते हो, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए ना। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो।